नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा कार्नोट साइकिल है उसके जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी आती है वो आती है, हम एफिशिएंसी को एटा से डिनोट करते हैं, वो आती है 1 - T2 / T1 या ऐसे नहीं, ऐसे आती कहाँ से है एफिशिएंसी, वैसे बात करते हैं। देखिए, अपने पास एक कार्नोट जो इंजन होता है उसमें एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। ये हमारा सोर्स है और ये सिंक है। जो सोर्स है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, T1 > T2। जो सोर्स है उसका टेम्परेचर, जो सिंक का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, और बीच में ये एक इंजन है। अब देख लीजिए, ये जो सोर्स है ये इंजन, अब देखिए अब क्या करते हैं कि जो हमारा सोर्स है उससे हमने Q1 हीट ली और इंजन को दी। इंजन ने क्या किया, इस Q1 हीट को दो तरीके से काम में लिया। एक तो इसने कुछ वर्क कर दिया और जो बची हुई थी हीट वो उसने सिंक को दे दी। तो देखिए, जो ये हमारा है कि एक सिंक, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, और उन दोनों के बीच में एक इंजन है। जो हमारा सिंक होता है वो उसका टेम्परेचर, जो सोर्स होता है उसके टेम्परेचर से कम होता है। और अब देखिए, हम जो हमारा सोर्स है उससे Q1 हीट लेते हैं, वो सिंक जो हमारा इंजन है उसको देते हैं, उस वो इंजन उस Q1 हीट को कुछ तो उसका वर्क डन कर देता है, और जो हीट बचती है उसको उस हीट को वह सिंक को प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए, जो हमारा एफिशिएंसी होती है वो होती है, या पहले ये देख लीजिए, जो हमारी Q1 हीट थी, हमने Q1 हीट सोर्स से ली, वो कुछ तो वर्क डन करने के काम आ गए और बची हुई हीट उसने सिंक को दे दी। तो Q1 क्या हो गया, Q1 = W + Q2, हम लिख सकते हैं W = Q1 - Q2 क्या आ गया। अब देखिए, इफिशियंसी क्या होती है, वो कार्नोट के इंजन की इफिशियंसी होती है, उसको हम एटा से डिनोट करते हैं। ये होती है, आपने कितना इनपुट दिया, इनपुट कितना दिया, इनपुट और वर्क डन, इतना हमें वर्क प्राप्त हो गया। अब देखिए, इनपुट कितना है, इनपुट के रूप में हमने केवल हीट की सोर्स को, और W क्या है, उसने कितना वर्क किया, तो Q1 - Q2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - Q2 / Q1। और एक रिलेशन ये भी होता है, Q1 = T1 / T2, इसी तरह के यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - T2 / T1। तो ये जो फॉर्मूला है उस पर, ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इससे निकालते हैं ना। हम इस क्वेश्चन जो हमारा ये लेक्चर, इसमें हम इसकी डेरिवेशन जो पार्ट है उस पर नहीं जाएंगे, हम केवल इस पर जो क्वेश्चन है उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, तो ये देखिए, ये था कार्नोट इंजन के बारे में कुछ बेसिक, ताकि आपको कुछ पता रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो हम लगाएंगे जो गर्ग, बंसल एंड गोस की जो बुक है उससे। अब देखिए, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन देखिए, और शायद हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ देंगे। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्नोट इंजन इज मेड ऑफ मेड टू वर्क बिटवीन 0° C एंड -200° C। क्या दिया आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है, एक टेम्परेचर है 0° C और एक है -200°C। देखिए, कार्नोट इंजन है वो दो टेम्परेचर के बीच में कार्य करता है, एक टेम्परेचर दे रखा है 0° C और एक है -200°C। अब यहाँ से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा T1 और T2 है, हमें बस इतना पता है कि जो T1 जो हीट इंजन होता है उसमें जो T1 टेम्परेचर होता है वो > T2 होता है, तो हमें T1 उस टेम्परेचर को सेलेक्ट करना है जो ज़्यादा है। तो देखिए, इसको आप सेंटीग्रेड में चेंज कीजिए, सेंटीग्रेड में जो है केल्विन में चेंज कीजिए इसको, तो ये कितना आएगा 273 और ये कितना आएगा 73 केल्विन। तो T1 कौन सा हुआ, T1, ये T2 हो गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी, आपको इस कार्नोट इंजन की, जो कार्नोट इंजन दिया आपको, इसकी एफिशिएंसी बतानी है। तो देखिए किस तरह हम एफिशिएंसी हम जानते हैं, ईटा = 1 - T2 / T1। और देखिए, 1 - T2 कितना है, T2 73, या हम जब केल्विन में चेंज करते हैं तो हम 273 ऐड करते हैं, तो 200 + 273, तो 73 केल्विन आएगा। तो T2 73 - T1 कितना है,
273, तो 273 माइनस 73 अपॉन 273, तो 2 अपॉन 273, ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी 0.37, एक से ज़्यादा या एक से कम, यहाँ पर भी क्वेश्चन है एक से कम आई या एक से ज़्यादा, एफिशिएंसी हमारी एक से कम आ रही, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारा कार्नोट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी हमेशा एक से कम ही आती है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। लेकिन जो हमारा वर्क फंक्शन होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, कोफिशिएंट ऑफ शायद वो वर्क फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, वो एक से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जो हमारी एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की वो हमेशा एक से कम ही आएगी। तो देख लीजिए 0.7, शायद आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है 0.73। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन हो गया। अब बस आपको टेम्परेचर को सेलेक्ट करना चाहिए, आना चाहिए कि T1 कौन सा और T2 कौन सा है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 30%, आपको एफिशिएंसी है वो 30% दी हुई है कार्नोट इंजन की। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एफिशिएंसी इज टू बी राइज टू 50%, तो आप कह रहा है कि यदि एफिशिएंसी है वो 50 कर दी जाए, बाई हाउ मच मस्ट बी टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज इफ द सिंक एट इज 27°C। तो आपको कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है फर्स्ट में थी 30% और उसको आप बढ़ा के 50% कर दी जाती है, और जो हमारा सिंक का टेम्परेचर है वो 27°C दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि जो हमारा हाउ मच मस्ट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, तो जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है वो कितनी डिग्री से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा सेंटीग्रेड में बताना है आपको। ये हमने पहले एफिशिएंसी 30 थी, उसके बाद हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा अब ये बताना। अब देखिए क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ एफिशिएंसी दी हुई कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी एक दी हुई 30% और सिंक का टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 27°C, तो ये 300 केल्विन आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी 2 दी हुई हमारे पास 50%, तो हमें T1 बताना है, चेंज इन टेम्परेचर तो वो बताना है T1 में कितना चेंज हुआ, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, बस आपको फॉर्मूला पता है, खेलेंगे इसके साथ। सॉल्यूशन देखें, एफिशिएंसी 1 - T2 / T1, हमारी फर्स्ट एफिशिएंसी है 30%, 30/100, 1 - T2 300°K, 300 केल्विन T1, और मान लीजिए टेम्परेचर T1 ये आ गया, तो 3/10 और ये आएगा माइनस 31 = 7/10 और T1 की वैल्यू आएगी आपके पास ये अपॉन 7, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 4 7 4 8 2 2 6 4 8 यह आएगा अप्रोक्सीमेट 248.6 के 56 4, कितना आ रहा है 4.8.6 केल्विन, यह आ गया हमारे पास टेम्परेचर T1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एफिशिएंसी जब आप बढ़ा रही है और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तब टेम्परेचर भी इफेक्ट होगा, तो एफिशिएंसी जब हम N2 = 1 - T डेज हो जा रहा मान लीजिए, लेकिन सिंक का टेम्परेचर हमें 27°C ही रखना है, T2 T1 मान लीजिए टी डेज हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी है 50% / 100 1 - T2 300 T1 days, तो T1 डेज के लिए हम क्या निकालेंगे 300 T1 days इक्वल्स टू 1 - 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2, तो 1/2 T1 days की वैल्यू है हमारे पास 600 केल्विन आ गया। अब टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया,
तो जो हमारा फर्स्ट टेम्परेचर था एक 600 आ रहा है, एक 400 केल्विन आ रहा है, तो 600 माइनस 428.6 केल्विन। और आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 171.4 केल्विन। तो हमें टेम्परेचर में इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, यह है केल्विन में। आप इसको सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हो। तो ये दे दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही। या इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक फंक्शन है वो देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब एक भी नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं मज़े ले रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।